से। ये देखो अक्षु का फेस कैसे हो गया है, पूरा रेड, दाने दाने दाने, क्योंकि इसको ना गर्मी बिल्कुल सूट नहीं करती है। और तो इसको ज़्यादा गर्मी हो रही थी इसलिए हम इसको ठंडे में लेके जा रहे हैं। खा ले रे अक्षा, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे, मैं पूछो मत, बहुत ठंड है बहुत। देखो अक्षत भी उठ चुका है, अक्षत को मैंने एक स्वेटर इसके अंदर और पहना दी है, देखो ये वाली। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के उड़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और अभी आप देख रहे होंगे हम तैयार हो रखे हैं, हम जा रहे हैं घूमने कहीं। अक्षु के मुंह पे देखो, बोलो हेलो। बाबा कितनी ज़्यादा गर्मी होने लगी। ये देखो अक्षु का फेस कैसे हो गया है, पूरा रेड, दाने दाने दाने, क्योंकि इसको ना गर्मी बिल्कुल सूट नहीं करती है। और अभी हम तैयार होके जा रहे हैं कहीं, क्यों तो इसको ज़्यादा गर्मी हो रही थी इसलिए हम इसको ठंडे में लेके जा रहे हैं। जा रहे हैं छुपता है, मेरी बाइक को फेंक दिया। क्यों? अरे पहनती वो कलर था किसी का, बाइक तो मेरे पास। कपड़े इतने पहन दिए ना, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। उसको शीशा तो बंद कर देते पहले, वो धूल उड़ रही है ऊपर। मुझे बहुत गर्मी हो रही है, ठंडी। मुझे भी तो हमने सोचा चलो आज थोड़ा घूम लेते हैं, घूम घाम कर लेते हैं। बर्फ तो गिरी नहीं है वहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा। ये देखो इसके फेस में ना गर्मी से बाहर निकल गया, वो ठीक है कि बाहर निकल गया, पेट में गर्मी बैठेगी तो बड़ी दिक्कत होने वाली है ना। इससे अच्छा ठीक है बाहर है, ये सोच रहा है कहीं तो जा रहे हैं, कहीं तो जा रहे हैं घूमने के लिए, बड़ा खुश है। ये देखें मैं पापा को देख रहा हूँ, उसके पापा गाड़ी साफ कर रहे हैं, तो पापा को देख रहा है कि पापा कर गया रहे हैं उसके पापा। और ये देखो हनी छिंकू, उसके पापा कर रहे हैं गाड़ी साफ। हाँ हनी गर्मी भी लग रही है, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रंग बिरंगे कपड़े के टके हुए हैं ऊपर, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ना भागवत हुआ था, क्योंकि हनी के पापा का ऑफिस इधर ही है आगे, पहले हम इधर ही रहते थे। और आजकल देखो नदी कितनी खाली है, बरसात में ये पूरी नदी भरी रहती है। और पापा गए हैं यहाँ पे हनी के लिए जैकेट लेने, और यहीं पे पहले हमारा रूम था। ओहो अक्षत गिर गया था। हाँ जहाँ पे वाइट कार है ना वहाँ पे पहले हमारी कार खड़ी रहती थी, और उसके जस्ट ऊपर पे हमारा रूम था पुराना। यहाँ आके मुझे ऐसा लग रहा है कि हम पहले इधर रहते थे, मतलब थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है, बट अच्छा है ना। ओहो कहाँ घुस गया ये देखो, ये पता नहीं कहाँ कहाँ घुस जाता है। ये देखो उसके पापा गए हैं वहाँ, वहाँ से हमने बहुत सारे कपड़े खरीदे हैं, ये वाली दुकान और हमारा पुराना रूम। तो अभी हम आधे रास्ते पहुंच चुके थे, और यहाँ पे ना हमको भूख लग गई थी, यहाँ पे मोमो वाली मतलब मोमो का एक वो था, तो हमने सोचा चलो मोमो खा लेते हैं। और मैगी भी हमने चाउमीन भी हमने बनवाने के लिए दी, क्योंकि ना मोमो थोड़े बचे हुए थे, उन्होंने कहा कि अब ख़त्म हो गए। और धूप भी देखो ऑलमोस्ट जाने वाली है, तो ये उखीमठ है जहाँ इनकी ड्यूटी लगी है आजकल। और यहाँ आते आते हमें 2-3 घंटे करीब हो गए थे, क्योंकि जगह जगह हम रुके भी। तो ये देखो छोटा सा, ये देख सकते हैं आप जेडी मील्स लिखा हुआ है, इसमें मैगी और ये मोमोज वगैरह बन रहे थे। और सामने आप देख सकते हो गुप्तकाशी है जो दिख रहा है, यहाँ से केदारनाथ जाते हैं। और ये देखो ये आगे हमारी चाउमीन। और अक्षत और हनी तो बिल्कुल नहीं खा रहे थे, क्योंकि अक्षत ना गर्मी की वजह से जो उसके फेस पे दाने निकले हैं वैसे उसके लिप्स भी पूरी फट रखी थी, इसलिए वो खा नहीं पा रहा था। तो अब हम चले
चुपता की तरफ। तो यहाँ पे जो गांव है ना, वहाँ पे आप देखोगे छोटे छोटे से पेड़, बहुत सारे देखो माल्टे के पेड़ हैं यहाँ पे। और यहाँ इतने ज़्यादा माल्टे होते ना, पूछो ही मत मत। अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ रूम पे, और रूम ठीक है बट इतना वो भी नहीं है, बट ठीक है। ये है कि क्योंकि इधर लाइट की ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है तो उस हिसाब से ठीक ही है, बट ठंड बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे हनी बनाने लग गया था वीडियो, हनी को मैं कह रही थी ढंग से बना, लेकिन देखो कैसे कर रहा हो कैमरे को। और अच्छा तभी सोया हुआ है यहाँ पे, जब से अक्षत गाड़ी से आया सोया है, क्योंकि उसको ना ठंड सूट कर रही है, तो वो ठंडे में काफ़ी अच्छी नींद ले रहा है। ये देखो कैमरा कैसे घुमा रहा है, आप देख सकते हो। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे, मैं पूछो मत, बहुत ठंड है, बहुत। बिस्तर से बाहर निकाले ना तो क्या बताऊँ मैं, इसको नहीं लग रही है ठंडी। और अक्षत जब से आए ना, उसको मैं कह नहीं थी कि उसको ना गर्म सूट नहीं होता, बट ठंडा उसको बहुत अच्छे से सूट हो रहा है। और जब से आया है वो, तब से वो सोया है, मतलब गाड़ी में सोया था और उसको मैं गोद में नीचे लेके आई, तो वो सोया ही है तब से। बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत ठंड है, इसीलिए हमने ना ऐसे रूम करवाए हैं, टेंट वाला नहीं करवाया। टेंट में मतलब हमसे नहीं रहा जाएगा, तो बच्चे तो बहुत दूर की बात है। और रूम ठीक है क्या? वो ना ऊपर को रख, तकिया पीछे को खड़ी कर, तब लटक। यहाँ पे एक चीज़ की प्रॉब्लम है, यहाँ पे फ़ोन चार्ज नहीं हो रहे हैं, और हम क्या करें, यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, जीरो नेटवर्क है। हाँ तो इसके पापा भी गए हैं पूछने के लिए कि भाई अगर चार्ज वगैरह करना होगा तो कहाँ पे करेंगे फ़ोन। और इधर ना पर्दा नहीं है, तो यहाँ बाहर से आने के पापा देखने गए थे, तो बाहर से साफ दिख रहा है अंदर को, और अंदर से बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ये सिस्टम है, लेकिन बिस्तर ठीक है, कंबलें काफ़ी सारी दी है, चार कंबलें दी है, अभी दिखाती हूँ आपको। एक हन्नी ने रख दी है, एक उधर है, और दो अभी हमने यहाँ पर रखी है, तो कंबलों का कोई इशू नहीं है। हाँ हाँ कंबल चार है बेटा, एक अक्षर ने रखी, एक तुम, ये है दो, वहाँ पे है दो है वो। तो फ़ोन पे नेटवर्क नहीं है। और इसकी ये देखो, इसके पापा इसके ले गए हैं मैगी बनवाने के लिए। और टाइम कितना हुआ, मैं टाइम देख के बताती हूँ आपको, टाइम 6 बज चुका है, बिल्कुल करेक्ट 6 बजा हुआ है। और सर स्टे करने हम इसलिए आए क्योंकि ये था कि बच्चों के साथ, मतलब अगर हम दिन ही दिन आते ना तो हमें मतलब ये होता कि सुबह आना है इधर, फिर टाइम लग ही जाता था, फिर घूमो फिर घर जाना, फिर बहुत ज़्यादा टाइम का वो हो रहा था, मतलब 3-4 घंटे आना 3-4 घंटे जाना, फिर ज़्यादा सफ़र हो रहा था, इसलिए हमने सोचा कि शाम को मतलब स्टे करेंगे, उसके बाद दूसरे दिन थोड़ा दिखा के इनको, अगर बर्फ़ होगी तो हनी को दिखा के फिर अपने घर चले जाएंगे, ऐसा था हमारा, इसीलिए हम रात को आए। और अदरवाइज हाँ नहीं आते, बट ठीक है ठंडा इतना नहीं है, जब बेड से बाहर निकल रही तब ठंड हो रही है, अदरवाइज ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, है ना हनी। देखो अक्षत भी उठ चुका है, अक्षत को मैंने एक स्वेटर इसके अंदर और पहना दी है, देखो ये वाली, और मंकी कैप लगा दी है। मत कर हनी, उसके बिस्किट काय के लिए निकाला, अक्षत ये है, ये ले, देखो बिस्किट की वजह से लड़ाई हो रही है। और ये मैंने ना इसको एक सलवार और पहना दिया, एक तो ट्राउजर के साथ का था, उसके अंदर चुस्ती है, फिर क्या हो गया, गुच्छा क्यों आ रहा, आ जा उठ जाओ, अक्षत उठ जाओ, शाबाश।
तो अक्षत फिर सोने लग गया है, पता नहीं उसको नींद आ रही क्या हो रहा। तो खाना अभी तक तो बनानी है क्योंकि अभी 6:30 के करीब हो रहा है और 7:30 बजे के बाद ही खाना आएगा। तो बस मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर सो जाती हूँ और ये वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। और नेक्स्ट का व्लॉग कल मॉर्निंग से स्टार्ट होगा, तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, बाय।